नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास सिक्स में। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नाइन। तो आज हम केवल इसमें जानेंगे कि चैप्टर में हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, हेडिंग्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे बेटा, इसमें इस वीडियो में क्या है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो पहला पॉइंट, चैप्टर का नाम क्या है, ब्राउजिंग इंटरनेट। भाई इंटरनेट पर हम ब्राउजिंग कैसे करते हैं या क्या क्या हम इस पर काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहला पॉइंट है क्या हमारा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या पॉइंट बेटा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल्स जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। कैसे काम करेगी, ठीक है। इसमें क्या सेकंड ऑप्शन क्या है, एडवांटेज ऑफ ईमेल्स, ईमेल्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं, यानी किस किस चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ईमेल प्रोग्राम क्या होता है आपका, ठीक है, ईमेल्स का प्रोग्राम क्या होता है, ईमेल प्रोग्राम कैसे काम करता है, ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं, क्रिएट ईमेल अकाउंट, तो ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हाउ टू रीड ईमेल, और यदि आपके पास कोई ईमेल आती है तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल। तो ईमेल को कैसे, जो आपके पास ईमेल आई है उसको उसका रिप्लाई, हाँ हम कह सकते हैं कि उसका रिप्लाई कैसे देंगे, फिर हम कहेंगे कि ईमेल कैसे भेजें, ठीक है। तो ईमेल कैसे भेजेंगे, भाई हमारे पास जैसे हम व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं तो उस तरीके से मेल भी भेज सकते हैं। तो मेल को हम किस तरीके से सामने वाले के पास या किसी भी व्यक्ति के पास भेजेंगे। ई ग्रीटिंग कार्ड्स, यानी कि जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं बच्चों, जैसे हम पहले पेपर पर बना करके देते हैं किसी को या किस स्टाइल चाहते हैं, उस तरीके से हम अपने कंप्यूटर पर भी ग्रीटिंग कार्ड्स जो भेज सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड से मतलब समझ सकते हैं, जिस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि जैसे अभी दिवाली गई है हाल फिलहाल में, तो व्हाट्सएप अगर आप चलाते होंगे, आपके पेरेंट्स चलाते होंगे, तो उस पर कितनी बाहर से छा जाती है ग्रीटिंग, जैसे इसकी बधाइयों की उस पर लिखा होता है हैप्पी दिवाली टाइप, ऐसे कुछ करके ऐसे हर त्यौहार पर क्या है, अलग अलग टाइप के बैनर्स वगैरह, चार्ट वगैरह बन करके आपके पास आते रहते हैं। तो वो क्या है, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो वो कार्ड्स भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरनेट नेटिक्वेट्स, इंटरनेट की ज़रूरत क्या क्या है, इंटरनेट एक्रोनियम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई ज़रूरतें क्या होती हैं या इसकी हानियाँ क्या होती हैं, सभी चीज़ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें आपको बच्चा क्या है, ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। यदि कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आपको बार बार पूछनी है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। आज हम करने वाले हैं इसमें पहला ऑप्शन हमारा स्टार्ट होता है, इंटरनेट प्रोवाइड एन ईजी वे टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरनेट क्या है बच्चों, एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे संसार की या पूरे संसार में कहीं से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़ लाइक सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज, ठीक है। जो इंटरनेट होता है वो क्या करता है, हमारे को फैसिलिटी देता है, क्या देता है भाई, आपको कोई भी मेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं कोई मैसेज, ग्रीटिंग कार्ड्स निकाल सकते हैं, कन्वर्जिंग विद अदर या किसी से बात कर सकते हैं आप भाई। जैसे इंटरनेट होता है, जैसे माना आप व्हाट्सएप से बात करते हैं, तो व्हाट्सएप क्या है, इंटरनेट की सहायता से चलता है, बिना इंटरनेट की सहायता से आप कोई मैसेज नहीं भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नेट की सहायता से उसमें मैसेज भेजते हैं। तो ऐसे ही और भी तरीके होते हैं, और भी जरिए होते हैं जो आप क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। डाउनलोडिंग म्यूजिक सॉन्ग और पिक्चर्स एंड मैनी मोर, तो कोई भी तरह का आप जो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं या कोई पिक्चर है, आप और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ड्यू टू इट्स लो स्पीड, और इसकी लो स्पीड के कारण ऑर्डिनरी मेल इज कॉल्ड स्नेल मेल नाउ अ डेज, सम ऑफ द यूजेज ऑफ इंटरनेट आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है भाई। क्या होता है, कई बार स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और स्लो स्पीड के कारण जो ऑर्डिनरी मेल्स होती हैं उनको स्नेल मेल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या कहता है, सम ऑफ द यूज, कुछ यूजेज हैं इंटरनेट के जो इनके बारे में नीचे अब बताया जा रहा है, ठीक है, नीचे बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका इसका आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल। जो हमारी ईमेल जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज नोन एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बच्चों क्या होता है, जब हम काम करते हैं इंटरनेट पर, तो इंटरनेट पर हमारे को क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन क्या है, ईमेल भेजने का होता है, ईमेल भेजने का, रिसीव करने का। सेंडिंग का मतलब भेजना और रिसीव का मतलब प्राप्त करना, ठीक है। जैसे हमारे इनबॉक्स में या मोबाइल के बॉक्स में क्या होता है, मैसेज आता है और हम वहाँ से सेंड भी कर सकते हैं, उस तरीके से कंप्यूटर की सहायता से जो मैसेज भेजते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग क्या करते हैं, ईमेल बोलते हैं, ओके। उसके बाद आता है, और इसको हम कहीं भी भेज सकते हैं, संसार के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, कम्युनिकेशन का यानी कि संचार का एक क्या सबसे तेज़ जरिया है, तेज़ माध्यम है।
ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेजेस क्या होती हैं, तो हम क्या लिखें, पहला पॉइंट हमारा इट इज़ फास्ट एंड टेक फ्यू सेकेंड्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, जिसको क्या भाई, ईमेल जो होती है, ईमेल का जो जरिया है ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही कम सेकंड में क्या होता है, ये पहुंच जाता है कहाँ पर, इसके डेस्टिनेशन पर, यानी कि जहाँ इसको जाना होता है, जहाँ यानी संसार के किसी भी कोने में सेकंडों में क्या है, मेल को मैसेज को पहुँचा देता है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, भाई ये क्या है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, यानी बहुत सस्ता सा जरिया है जिसपे हम ईमेल या अपने मैसेज को भेज सकते हैं। ध्यान आता है बेटा, इट कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है भाई, ये क्या है, इसको आप कितने भी लोगों को या कितने भी व्यक्तियों को एक साथ क्या है, मेल को भेज सकते हैं और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है आपका, है ना। यदि आप देखो भाई, जैसे हमारे पोस्टमैन होते हैं, डाकिया जो हमारी चिट्ठी लेके जाता है या लेके आता है, वो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो एक टाइम में एक ही को जाएगा। ठीक है, अलग अलग भेजना तो अलग अलग के पास अलग अलग समय में ही जाएगा, वो एक समय में नहीं जा सकता, परंतु इंटरनेट की सहायता से जो हम मैसेज भेज रहे हैं, जो ईमेल भेज रहे हैं, वो एक ही टाइम में सभी के पास क्या है, पहुंच जाएगा और ना उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेज लगेगी। परंतु यदि आप चिट्ठी वगैरह भेजते हैं, लेटर भेजते हैं वाया डाक, तो उसमें क्या आपका अलग अलग एक्स्ट्रा खर्चा आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, आपका मैसेज कैन बी फ्यू लाइन्स और थाउजेंड्स लाइन, कॉस्ट इज द सेम। ठीक है, मैसेज आपका छोटा हो कुछ लाइनों का या आपका हजारों लाइनों का, इसका जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहने वाली है, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है इसका। ओके, तो ये हमारी ईमेल के क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो आगे जो है इस चैप्टर में, हम आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, और कुछ क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, नहीं समझ में आती तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएगा। ओके, टेक केयर बेटा।